ओ सरुगंज में हमारी टीम पहुंची है, लेबर लाइन के बैनर लगा दिए हैं। क्या हो रहा है साहब यहाँ पे, अच्छा फीडबैक मिला है? हाँ, यहाँ सरुगंज में लेबर हेल्पलाइन का अच्छा प्रचार किया गया, लोगों की समस्याओं के बारे में क्या क्या समस्या है उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी दी, उन्होंने समस्या बताई और यहाँ पर अच्छा सा प्रचार हुआ और अब रोड से लगातार प्रचार करते हुए आ रहे हैं और इधर काफ़ी मजदूरों की समस्याएं हैं जिनको समाधान किया। ये सरुगंज है जहाँ चौराहे पे हमने ये लगा दिए हैं लेबर लाइन के पोस्टर लगा दिए, कोई भी मजदूर आए तो इनकी नज़र यहाँ पे पड़ेगी। तो मजदूरों की नज़र यहाँ पे पड़ेगी तो मजदूर भाई ज़्यादा जागरूक होंगे। सुबह सुबह यहाँ नाकों पे सब बहुत सारे मजदूर आते हैं, शंकर जी जो है लगातार सहयोग कर रहे हैं। तीन और लगा दिए हैं इसके पोस्टर। जानकारी लेना चाहो, जानकारी अगर चाहिए सर। तो सरुगंज में प्रचार प्रसार कर लिया है, शंकर जी क्या किया है साहब? यहाँ का अच्छा प्रोग्राम रब पूरा लोगों को समझाया। हाँ हाँ समझा दिया, बैनर लगा रहा हूँ। लगा दिया? हाँ लगा दिया, तीनों तरफ लगा दिया आपने तो। हाँ देखा शंकर, तीनों तरफ पे शंकर जी ने, शंकर जी ने अच्छी मेहनत करी है। हाँ हाँ और शंकर जी आज प्रचार किया आपको क्या क्या भूमिका थी लोगों की? सब लोग पूछते रहे थे हमारा वेतन नहीं मिल रहा है, हमारा बोल रहे हैं मुझे पूछते ना वहाँ से निकाल दिया है, तो उनको कैसे जानकारी लेंगे काम फोन करना था बताया, थोड़ा ठीक जाओ बताया उनको भाई आप जानकारी भी ले सकते हो लेबर लाइन पे बराबर, और अगर कहीं पर भी आपको समझ में आ रही है कि नहीं ये रेल रेल में मेरा कुछ है तो आप शिकायत दर्ज भी करवा सकते हो और अपना पैसा ले सकते हो। बहुत ही सुंदर आज का कार्यक्रम बहुत सफल परख रहा है, हमारे साथियों को जिंदाबाद जिन्होंने बहुत बड़ा सहयोग दिया है, सुबह से लगे हुए हैं और लगातार प्रचार करते हैं। अब किधर जाना है, किस तरफ प्रस्थान हो रहा है? सभी साथियों ने बहुत ही अच्छा योगदान रहा और अच्छा आज कैंपेन रहा, अब वापस पिंडवाड़ा की ओर बढ़ेंगे, रास्ते में जो गांव आते हैं वहाँ प्रचार करते हुए इधर की ओर बढ़ेंगे। तो अभी कितना समय हो रहा है और कितने समय तक और करेंगे अपन? 6 बजे है और सोच रहे हैं कि 6:30 बजे तक जितने भी गांव आ रहे हैं उनको प्रचार करते हुए चलेंगे। और क्योंकि इतना लेट इसलिए कर रहे हैं कि मजदूरों के छूटने का जो समय है 5 से 6 बजे तक नहीं छोड़ता, तो हम चाह रहे हैं कि इस क्षेत्र में जितना लाभ दे सकते हैं मजदूरों को वो हमारी कोशिश करते हैं, इसलिए इतना लेट जा रहे हैं। तो ये था सरुगंज सिरोही से पूरी रिपोर्ट, जहाँ पर हमारे वकील साहब महेंद्र गिरी गोस्वामी जी ने बताया कि ये सारी जो जनहितार्थ में प्रचार किया जा रहा है ये मजदूरों के विकास के लिए है। गाड़ी वो सामने खड़ी है और अब चलते हैं सर, चाय पियेंगे और थोड़ी हम थकावट को दूर करेंगे फिर निकलेंगे पिंडवाड़ा की ओर। हमारे सारथी उस्ताद जी कैसा रहा आज का कार्यक्रम? बहुत बढ़िया। क्या कहाँ गए? अब रोड कितने गाँव में गए सब गाँव के नाम बता देना, कैसा लग रहा है, कहाँ से चले थे? तो देखें हमारे उस्ताद जी बता रहे कौन कौन से गांव में गए, काफ़ी गांव में। हाँ मावल, सातपुर, तलेटी, आमतला, क्यारा, मुदल्ला, नागपुरा, अचुरा, फुलवाई, खेड़ा, पंचदेवर, काचोली, फातरवाड़ा, बावली, सब कुछ आए। वाह सर बढ़िया रहा प्रचार, फिर से पिंडवाड़ा की तरफ जा रहे हैं। ठीक है धन्यवाद। कितने गाँव में प्रचार किया है और आगे भी अभी करते हुए आगे बढ़ना है, हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है कि मजदूरों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक बनाएं ताकि वो इन योजनाओं का लाभ भी ले सके, कहीं मजदूरी करने के लिए जाते हैं तो उनको ऐसी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़े कि मुझे पैसा नहीं मिला है और ये ऐसा शिकायत करना, ऐसा अगर शिकायत भी करनी पड़े तो कैसे की जाती है, वो सर उनके अंदर जो भय और डर छुपा हुआ है उनको जागरूक करके ये सब उनको जागरूक करना हमारा लक्ष्य है। तो मजदूरों को शिक्षण भी कर रहे हैं और जागरूक भी कर रहे हैं? शिक्षण हाँ पूरी
कानूनी शिक्षण भी दे रहे हैं, साथ ही साथ जागरूक कर रहे हैं कि कैसे फोन लगाया जाए और कैसे इन ऐसी मुसीबत आने पर फोन लगा कर किस ढंग से जानकारी प्राप्त करें ताकि आपको पूरा पूरा लाभ मिले और इन योजनाओं का भी लाभ आपको मिल सके। परिचय। मैं महेंद्र लेबर लाइन के लिए प्रचार प्रसार के लिए आज अबू रोड क्षेत्र में प्रचार प्रसार किया। हमारे साथी गोविंद जी ने अच्छा साथ दिया, पूरे दिन से लगातार माइक पे बोलते रहे और लोगों को अच्छा जागरूक किया और पूरा कानूनी जानकारी कैसे ली जाती है, कैसे क्या बात की जाती है, पूरी जानकारी दी।